मेरी जो ऑडियंस है उसमें कोटा में जो भी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन के लिए अपने घर वालों को और अपने स्वयं दोनों के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से पहुंचते हैं, तो उनके लिए लास्ट मैसेज क्या रहेगा ताकि वो कोटा में आए और जो है वो भी सफल होकर जाए? सफलता का कोई शॉर्टकट होता है? एक अच्छा वक्ता किस प्रकार से बना जा सकता है? सर, भागवत गीता जिसके आप लगातार प्रचार करते हुए लोगों को संदेश देने का कार्य करते हैं, तो किस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए भागवत गीता एक माध्यम बन सकती है सफलता? बहुत इंपॉर्टेंट है गीता। अभी मैं बता रहा था एलियन इंस्टीट्यूट में अच्छे स्टूडेंट के तीन गुण होते हैं, सेवा भाव, श्रद्धा भाव और प्रश्नहीन भाव। तो विद्यार्थी को फ्रीडम होनी चाहिए प्रश्न करने की। तो भगवद गीता तो बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करती है एक स्टूडेंट को, क्योंकि अर्जुन स्टूडेंट। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं प्रश्न उत्तर हैं, चाहे उपनिषद हो, चाहे योग वशिष्ठ हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो। महाभारत के भी चार खंड हैं, यक्ष प्रश्न, विदुर नीति, भीष्म नीति और भगवद गीता, चारों के चारों क्वेश्चन आंसर हैं। सो स्टूडेंट के लिए भगवद गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको बांधती नहीं है, रुकती नहीं है, इससे मिटती नहीं है, कहती है ऊंची उड़ान लो, ऊंची उड़ान लोगे तभी जीवन में आएगी। छोटा मत सोचो, छोटा मत सोचो, हम अमृतस्य पुत्र हैं। आप राठौर हो तो आपकी संतान क्या है? राठौर। आप गुप्ता हो तो आपकी संतान क्या है? गुप्ता। तो हम भगवान की संतान है तो क्या हुए? यदि हमारे पिता भगवान है तो हम क्या हुए? भगवान। क्यों घबराते क्यों फिर इतना टेंशन क्यों है, स्ट्रेस क्यों है? तो मैं गीता एकेडमी में बच्चों को, यंगस्टर्स को यही सिखाता हूँ कि आप निमाणे नहीं हो, दीन नहीं हो, दरिद्र नहीं हो, बेचारे नहीं हो, भिकमंगे नहीं हो। ये भीख का कटोरा लेके भागना बंद कर दो। तो ये भीख का कटोरा लेके जीना, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। सो गीता जी आपको निर्भय बनाती है, अभय देती है, और वो अभय आ जाए तो आप बड़ी से बड़ी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। सर, सफलता का कोई शॉर्टकट होता है? कोई जिस बात को कहा जाता है सफलता के छह नहीं जी, सफलता रिलेटिव है। सफलता है क्या? अच्छी जॉब सफलता है? आप मुझे क्या सफलता बताओगे? अच्छा, आपके 95% मार्क्स आ गए, सफल हो असफल हो बताइए। इस तरह के अकॉर्डिंग आपके 95% मार्क्स आए हैं, आप अपने आप को सफल मानोगे असफल मानोगे? फिलहाल तो सफल मानेंगे। ओके, बाकी सारी क्लास के 99 आए हैं, अब बताइए। फिर उसकी तुलना में कंपैरिजन करेंगे तो सफल मानेंगे। आपके 95, बाकी सब फेल हो गए तो फिर तो सक्सेस है बड़ी। सो सफलता कुछ नहीं, कंपैरेटिव है। राइट, अपने से सफल हो। पिछली बार मैंने 95 आए थे तो इस बार 97 लाने, दूसरे से ना हो। कंपैरिजन अपने से हो तो सफलता है, दूसरे से सफलता क्या करें? मैं अमेरिका जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, कोरोना से बंद हो गया। वहाँ पे लुगुआडिया एयरपोर्ट पे जब आप वॉक करते हो, एयरपोर्ट से जो उतर के अटलांटा वगैरह जा रहे होते हो, मुझे लगता है मेरी हाइट बड़ी छोटी है। मुझे, मैं टिक्का लगता हूँ अपने आप को, क्योंकि वो आसपास के जो लोग मेरे साथ वॉक कर रहे थे सब लंबे चौड़े होते हैं। और मैं जापान भी जाता हूँ, और जापान के लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन या इसमें बुलेट ट्रेन में जब बैठता हूँ तो मैं लगता हूँ मेरी हाइट बड़ी बड़ी है। अब बताइए मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ? बड़े हैं। अमेरिका में छोटा हूँ, जापान में के अकॉर्डिंग जैसा देश। तो सफलता कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये बेवकूफ़ बनते हैं लोग। हाँ सफलता, हाँ सफलता, एक दिन सुबह उठ के आपने एक्सरसाइज कर ली वही बहुत बड़ी सफलता। सर, लास्ट प्रश्न। मेरी जो ऑडियंस है उसमें कोटा में जो भी स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन के लिए अपने घर वालों को और अपने स्वयं दोनों के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से पहुंचते हैं, तो उनके लिए लास्ट मैसेज क्या रहेगा ताकि वो कोटा में आए और जो है वो भी सफल होकर जाए? बहुत 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 चीज़ मैं कह रहा हूँ, तो दूसरे दिन है मेरा कोटा में, मैं अभी कई इंस्टीट्यूट्स में जाना मुझे, लेकिन एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ, this IIT is not the end of life, right? It's just a beginning. और आपको मुझे सफलता के लिए भीख का कटोरा लेके नहीं जीना। मैं अपनी लाइफ की हिस्ट्री बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसी कैसी मेरी लाइफ कटी, लेकिन सारी दुनिया घुमाया हूँ, हर साल दो नया देश जरूर देखता हूँ मैं। yeah. और यंगस्टर्स को बताता हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर दिए मैंने, मकरेरी यूनिवर्सिटी, कई दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में लिख सकती है। डोंट
आपके आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है आप में। अपनी पोटेंशियल को एक अठन्नी चुन्नियों में वेस्ट मत कीजिए, सोचिएगा इस बात पे। सर एक प्रश्न मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ ले लेते हैं, एक अच्छा वक्ता किस प्रकार से बना जा सकता है? मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत सुनता था, अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत सुनता था, और बचपन से जब उनको सुनता था तो मुझे लगता था ये अच्छा वक्ता कैसे बनता है। तो अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छे वक्ताओं को सुनो। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ ऋषिकेश से कोटा की धरती पर पधारे आचार्य शिवेंद्र जी नागर, जिनसे हमने आपके जीवन से रिलेटेड कई तरह के ऐसे प्रश्न रखे हैं जो शायद आपको अपने सफलता के मार्ग में कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे, आपको सकारात्मकता दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जय हिंद, जय भारत, श्री राधे।